हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगिनरी क्लासेस। आप सबको हैप्पी दिवाली। आज हम हैप्पी दिवाली पे भी एक स्पेशल क्लास करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम सेक्शन बी का अंत करेंगे आज। ठीक है, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस 2015 के हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस ऑन दी CSIR UGC नेट 2015 सेक्शन बी, दैट इज लेक्चर नंबर 8 फ्रॉम द असाइंड सेक्शन। ओके, you are seeing in this, you can see it is asking the natural remanent magnetization of a rock unit is found to be 30 degree west of the present north. The inference is that the land mass is okay. मतलब कि natural remanent magnetism NRM, ठीक है, रॉक यूनिट का कितना दिया है 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंस पूछ रहा है कि लैंड मास का इन्फ्रेंस क्या दिखा रहा है, मतलब इसमें लैंड मास क्या शो कर रहा है वो पूछना चाहता है। सो फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज एनआरएम। ओके, सो नेचुरल रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन इज द परमानेंट मैग्नेटिज्म ऑफ ए रॉक और ए सेडिमेंट preserves a record of the earth's magnetic field at the time of the minerals was laid down as a sediment or crystallized in magma. Okay, the tectonic movement of the rock over the million of years from its original position. ठीक है, तो अगर सपोज करें यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो जो रॉक है वो क्या हुआ है, 30 डिग्री टिल्ट हो गया है। ठीक है, किसके तरफ, 30 डिग्री वेस्ट हो गया है, वेस्ट की तरफ 30 डिग्री मुड़ गया है। ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन से मुड़ा होगा, ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन से मुड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेट जो रॉक है उसकी मैग्नेटिज्म 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द प्रेजेंट नॉर्थ दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली जो रॉक होगा वो रोटेट हुआ होगा वेस्टवर्ड साइड। क्यों, क्योंकि नॉर्थ से रोटेट होगा वेस्टवर्ड साइड 30 डिग्री, तभी ये 30 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्रेजेंट नॉर्थ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा कंपास में जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो जिसको हम मेजर करते हैं, जिस लैटिट्यूड को, उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थवर्ड साइड होना चाहिए, कंपास में भी यही नियम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू कंसिडर इट विल बी डेफिनेटली रोटेटेड वेस्टवर्ड बाई 30 डिग्री। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ ए बाइनरी सिस्टम इज। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो द गिब्स फेज रूल। ओके, तो गिब्स फेज रूल क्या बोलता है, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, दिस इज कंपोनेंट, दिस इज फेज। ओके, सो द फॉर्मूला इज एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो गिब्स फेज रूल टेल्स दैट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कंपोनेंट माइनस फेज प्लस टू, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे बोल रहा है कि यू टेक्टिक पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है यू टेक्टिक पॉइंट। तो यू टेक्टिक पॉइंट क्या होता है कि सपोज करें यहाँ पे आपके दो सिस्टम है, ठीक है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, तो यू टेक्टिक पॉइंट कहाँ पे है, जहां पे इन दोनों का मेल्ट, ठीक है, दिस इज ए मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ टू मिक्सचर्स। ओके, तो मेल्टिंग ऑफ टू मिक्सचर्स व्हेन मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज यू टेक्टिक पॉइंट। तो यहाँ पे जब मीट कर रहा है तो यहाँ पे एग्जिस्ट क्या करेगा, ये फेज भी एग्जिस्ट होगा, ये फेज भी एग्जिस्ट होगा, और यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर भी एग्जिस्ट होगा। तो ऑब्वियसली देयर विल बी थ्री फेज एट यू टेक्टिक पॉइंट, तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, ये इसका जो फेज होगा वो, इसका जो फेज होगा वो, और इसका जो मिक्सचर वाला फेज होगा वो भी। तो यहाँ पे थ्री फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यू टेक्टिंग पॉइंट में ये तीनों के मैग्मा मौजूद होंगे। ठीक है, ये अगर सपोज करो मैग्मा ही है, मैग्मा का दो कंपोनेंट वाले मैग्मा है, जब मिक्स कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो यू टेक्टिक कंपोजिशन होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा, साथ साथ वो दोनों भी होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुए रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका फेज आएगा दैट विल बी थ्री। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है तो कंपोनेंट है टू। ओके,
देन प्लस टू यू विल गिव द आंसर दैट इज वन। ठीक है, ये तो हो जाएगा 4 माइनस 3, द आंसर विल बी 1। सो द आंसर वाज 1। इट इज वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मेजर्स ब्लैक रेडिएशन फ्रॉम द ओशन सरफेस। दिस ब्लैक रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ओके, ऑफ व्हाट। ओके, तो ये दिस वाज द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन इफ यू कंसीडर द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द लिविंग फाइटोप्लैंक्टन, द लिविंग फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं किससे? मल्टी स्पेक्ट्रल सेटेलाइट इमेजरी से। तो अगर कोई मल्टी स्पेक्ट्रल सेटेलाइट इमेजरी मेजर कर रहा होगा ओशन को, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन जो होंगे वो हिंड्रेंस बनेंगे। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट रहेंगे कि फाइटोप्लैंक्टन का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो भी मेजर्ड होगा एज ए ब्लैक स्कैटर। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द अलगल ब्लूम इन सबको डिटेक्ट किया ही जाता है कंडीशन में, तो इसके ऊपर तो वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड बात करें, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। एक सेटेलाइट है जिसको हम मॉडिस बोलते हैं, ठीक है, और एज वेल एज स्पॉट भी यूज होते हैं टर्बिडिटी मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, ये दो सेटेलाइट्स यूज होते हैं टर्बिडिटी मेजरमेंट के लिए, तो इसमें भी बैक रेडिएशन को मेजर किया जाता है। किसमें? ओशन सरफेस में इसको ब्लैक रेडिएशन के थ्रू से मेजर किया जा सकता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी बैक रेडिएशन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑल्सो देर इज ए डिटेक्शन ऑफ HY1C जो सेटेलाइट है वो क्या डिटेक्ट करता है, क्लोरोफिल कर सकता है, सेडिमेंट सस्पेंडेड सेडिमेंट्स और डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो कैन बी डिटेक्टेड इन दी बैक रेडिएशन। ओके, सो दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी व्हाट, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। तो OM भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, OM कैन बी मेजर्ड, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल कैन बी मेजर्ड एंड फाइटोप्लैंक्टन कैन बी मेजर्ड। ठीक है, ये तीनों मेजर किया जा सकता है। लेकिन इफ यू कंसिडर डिजॉल्व इनऑर्गेनिक मैटर, तो डिजॉल्व इनऑर्गेनिक मैटर क्या होगा भाई, कैल्सियम 2+, मैग्नीशियम 2+, Na+, क्लोराइड माइनस, तो ये सब जो होंगे ये तो डिजॉल्व है, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इफ यू हैव टू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन और डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, सो यू हैव टू यूज सम केमिकल टेक्निक, नॉट थ्रू द बैक स्कैटर। ओके, सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट द आंसर यूज फॉर द बैक स्कैटरिंग। सो द बैक स्कैटर रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व इनऑर्गेनिक मैटर। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओशन सब ट्रॉपिकल गायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर द गायर्स, व्हाट गायर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, याद कर लो, नॉर्थ पैसिफिक गायर, ठीक है, साउथ पैसिफिक गायर, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक गायर, ठीक है, साउथ अटलांटिक गायर, ठीक है, इंडियन ओशन गायर, ठीक है, इतने मौजूद हैं। तो इतने गायर्स मौजूद हैं, आपको ये चीज याद करना है, ये पांच गायर फेमस हैं, तो ये पांच गायर मौजूद हैं। तो वहां पर अगर हम बात करें, सपोज इफ यू कंसिडर, यू कैन सी द नॉर्थ अटलांटिक गायर इज सराउंडेड बाई गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम तो पार्ट है किसका, ओशन सब ट्रॉपिकल गायर का पार्ट है, गल्फ स्ट्रीम तो पार्ट है। ठीक है, अगेन इफ यू कंसिडर नॉर्थ पैसिफिक गायर, यू कैन सी खुरेशियो करंट इज हियर, नॉर्थ पैसिफिक करंट इज हियर, कैलिफोर्निया करंट इज हियर, अलास्का करंट इज ऑल्सो देयर एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इज ऑल्सो देयर। सो खुरेशियो करंट इज ए पार्ट ऑफ वट, नॉर्थ पैसिफिक गायर, सो दिस विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ वट, ओशन सब ट्रॉपिकल गायर। बट इफ यू कंसिडर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम किसका हुआ, गल्फ स्ट्रीम पार्ट हुआ आपका नॉर्थ अटलांटिक गायर का। ठीक है, और खुरेशियो किसका पार्ट हुआ, नॉर्थ पैसिफिक गायर का। ओके, देन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बात करें वो भी नॉर्थ अटलांटिक गायर, ठीक है, आपका
ठीक है, प्लस आपका नॉर्थ पैसिफिक गायर का भी होगा, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक गायर का भी होगा, ठीक है, तो ये दोनों का ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें अटलांटिक सर्क्यूम पोलर करेंट, दिस इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज हियर, दिस इज लाइंग हियर समवेयर हियर एंड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ गायर, सो दिस विल बी व्हाट योर आंसर, यही आपका आंसर होगा क्योंकि ये किसी का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी सिंपल था, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग्स, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैप रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो वेयर द वार्म करंट इज देयर, वेयर कोल्ड करंट इज देयर इन ऑर्डर टू आंसर सम क्वेश्चंस, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये फिगर याद कर लो अच्छे से। द ऑर्डर ऑफ मोलर अबंडेंस इन द सी वाटर इज द सीक्वेंस, ठीक है, तो बस इसके लिए टेबल याद कर लें, टेबल 8.18.6 आपके यहाँ पे है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्लोराइड, क्लोराइड का मोलर कंसंट्रेशन 0.55 है, सोडियम का कितना है 0.47 है, उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो कितना है 0.04 है, फिर आप सल्फेट की बात करें तो सल्फेट का कितना है 0.28 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 0.55 इज ग्रेटर देन 0.47 इज ग्रेटर देन 0.054 ग्रेटर देन 0.028। ठीक है, तो क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, यू टेबल आप याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कोरल रीफ इकोसिस्टम आर ओएसिस ऑफ लाइफ इन द ओशन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कोरल रीफ, सो कोरल रीफ के लिए आपको उसका टेम्परेचर वगैरह भी याद होना चाहिए, कितने डिग्री आइसोथर्म पे बनता है, 20 डिग्री आइसोथर्म पे बनता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना चाहिए 23 से 25 चाहिए, वाटर टेम्परेचर दैट इज टू वार्म विल कॉज द क्लोरल कोरल ब्लीचिंग, जो कोरल ब्लीचिंग जो होता है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द कोरल, ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग, ओके, एलनिनो भी जो है वो भी हमारे ब्लीचिंग को ये करता है क्योंकि एबनॉर्मल वार्मिंग होता है वहां पे अलग अलग जगह पे, तो दैट ऑल्सो लीड टू व्हाट, कोरल ब्लीचिंग, सो कोरल रीफ के लिए ये सारे कंडीशंस बाउंड है, कोरल रीफ ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ कंडीशंस हैं, ठीक है, बट इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ टेल्स दैट व्हाट, होम ऑफ नियरली 33% ऑफ ऑल द फिशेस, नर्सरी टू 25% ऑफ मराइन स्पीसीज एंड लेस देन 1% ऑफ द सी वॉटर, तो आंसर विल बी डेफिनेटली दैट इट सपोर्ट्स ए लॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओशनिक बायोडाइवर्सिटी का जो जान है, ठीक है, ओशनिक बायोडाइवर्सिटी हब इज व्हाट, कोरल रीफ, ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टेलिंग दैट सिक्वेस्टर ए लॉट ऑफ एटमोस्फेरिक CO2, दिस विल नॉट बी द आंसर, रिड्यूस ए लॉट ऑफ बाइकार्बोनेट, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं फॉर्म करता है, ठीक है, रिड्यूस द सैलिनिटी सिग्निफिकेंटली, दिस विल नॉट बी योर आंसर बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट ए लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके, सो यहाँ पे दे ही रखा है कि कोरल रीफ इकोसिस्टम आर ओएसिस ऑफ लाइफ, तो ओएसिस ऑफ लाइफ का मतलब ये कि वो सपोर्ट करेगा, दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट केम इन दी 2015, ओके, आई होप you enjoyed the lecture, if you have some doubt you can comment me in the box and do subscribe our channel, ठीक है, यहाँ पे दो प्लेलिस्ट मिल चुके हैं आपको, ये दो प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखें और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, हैव ए नाइस डे एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फॉर दी टुडे।